हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियाशा पाठक और मैं अपने चैनल लर्न मोर समथिंग न्यू में आज आपके लिए लाई हूँ हाउ टू कैलकुलेट केल्विन स्केल इनटू द सेल्सियस स्केल। आपने पढ़ा होगा केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल, ये बोथ स्केल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए यूज़ लिया जाता है। मगर एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ, केल्विन स्केल जो है बेसिकली SI यूनिट होती है टेम्परेचर की, स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर के लिए जो हम एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें हम हाउ टू कैलकुलेट केल्विन स्केल इनटू द सेल्सियस स्केल, देयर इज़ अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो है वो ये है, फॉर्मूला टू चेंज केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर हम केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट वी विल सी इट। सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273.15। तो ये 273.15 पॉइंट के बाद 15 है तो इसको एनालाइज नहीं किया जाता। मींस अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273। ओके, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग 273 से ही माइनस करते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वाई वी टेक द 273 डिग्री, सो वी क्यों हम 273 ही क्यों लेते हैं, 273 की जगह 274 नहीं लेते, 275 नहीं लेते, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है तो उसका जो एग्जैक्ट जो माना जाता है वो 273.15 माना जाता है। तो राउंड फिगर में लेने की वजह से हम लोग 273 केल्विन ले लेते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है केल्विन स्केल में। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, 298 केल्विन है, इसको चेंज किया है सेल्सियस स्केल के अंदर। तो डिग्री सेल्सियस हमने फॉर्मूला फिट किया, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अब सेल्सियस स्केल इक्वल टू 298 को हमने के की जगह रखा, माइनस 273 कर दिया, तो मींस डिग्री सेल्सियस आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बात करते हैं हम एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो आगे आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अब नेक्स्ट इज एग्जांपल है आपका 305 केल्विन। तो वी नो दैट आपका जो फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, आप केल्विन की जगह हम लोग 305 केल्विन टेम्परेचर रख देंगे जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस 273 जो आपका एग्जैक्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 273 मैंने बताया था आपको, उसको रख देंगे। फिर आपको माइनस करने पर आपका आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो एग्जैक्ट आया वो है 32 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन सी दैट 305 केल्विन इज इक्वल टू 332 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है जिससे हम रीचेक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज चेक करना है तो 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर केल्विन में चेक करना है तो 273 प्लस 32 मींस आपका आ गया केल्विन में 305 केल्विन। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, इसको इस मेथड से हम लोग रीचेक कर सकते हैं। इसको ऊपर वाले को भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब सेल्सियस की जगह हमारा जो एग्जैक्ट आया था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, उसको रखेंगे और फिर इसको केल्विन टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग केल्विन स्केल को हम एग्जैक्ट करेंगे तो 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में आ गया हमारा 298 केल्विन। ओके, तो बाय दिस मेथड वी कैन, दिस इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ चेंजिंग सेल्सियस स्केल इनटू द
कैल्विन स्केल. ओके दिस इज़ अपोजिट मैथड. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. सो इफ यू सेटिस्फाइड विद माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. और मैं आपके इस तरह के वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी. थैंक यू. बाय बाय.